आज अपन राजस्थान जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी एग्जाम में राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन उन मोस्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की थार की नगरी के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर। अब राजस्थान की थार की नगरी के नाम से जाने जाने वाला जिला है बाड़मेर। राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सांचौर, कोटा, हनुमानगढ़, गंगानगर। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहा जाता है। ये सांचौर जालौर में स्थित है। इसको राजस्थान का पंजाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 नदियाँ बहती है, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन है बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी व बेड़च नदी। राइट आंसर होगा माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, माही नदी। राइट आंसर होगा स। बेड़च नदी को आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि बेड़च नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है बेड़च नदी को। यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीरा महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है। नागौर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में व राजसमंद में। मीरा महोत्सव मनाया जाता है वो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। अक्टूबर मंथ में चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है, जबकि मीराबाई का मंदिर है वो मेड़ता नागौर में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सह होगा। पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका कमेंट में आपका आंसर देना होता है, तो उसका आंसर आपने जो जिन जिन लोगों ने उसका आंसर सही दिया है उसका नाम लास्ट में बताया जाएगा वीडियो के अंत में। तो यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। थार महोत्सव मनाया जाता है वो बाड़मेर में मनाया जाता है। मार्च के महीने में बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है। महोत्सव क्वेश्चन इनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी ऊंट महोत्सव पूछ लेते हैं तो कभी मरु महोत्सव है और थार महोत्सव है। जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है जनवरी फरवरी में, और ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में मनाया जाता है क्योंकि सर्वाधिक ऊँटों की बात करें तो वो बीकानेर में स्थित है, इसीलिए ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है जनवरी में। जो ये थार महोत्सव है ये बाड़मेर में मनाया जाता है मार्च में। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है बी। यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, रणथंबोर, सवाई माधोपुर में, कुंभलगढ़, राजसमंद में या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। जो लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा अगले वीडियो में उसका नाम बताया जाएगा कि किस किस ने इसका आंसर सही दिया है। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई छत्रपुत्र दुर्ग कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है टोंक में, सिरोही में, नागौर में या पाली में। जो आई छत्रपुत्र दुर्ग है वो नागौर में स्थित है। राइट आंसर होगा स। नागौर को आई छत्रपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा कौन सी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। सेकंड ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, ये अरावली पर्वतमाला पे स्थित है, तो ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। थर्ड ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। तो राजस्थान को जो 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा है वो है 50 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 सितंबर को, 16 सितंबर को या फिर 21 मार्च को या 22 अप्रैल को। जो खेजड़ली दिवस मनाया जाता है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ए। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है वो ये 31 अक्टूबर 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, और इसे स्थानीय भाषा में सीमलो के नाम से भी जाना जाता है खेजड़ी को। खेजड़ी का साइंटिफिक नेम पूछ ले तो प्रोसोपिस सिनेरिया खेजड़ी का साइंटिफिक नेम है। खेजड़ी में से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसे खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं और कल्प वृक्ष भी कहते हैं। यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है राजसमंद,
कोटा, बांसवाड़ा व झालावाड़। तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? तो झालावाड़ में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर होगा द। राजस्थान की औसत वर्षा की बात करें तो 575 mm राजस्थान की औसत वर्षा होती है। भारत की औसत वर्षा की बात करें तो 1190 mm भारत की वार्षिक वर्षा होती है, और विश्व की बात करें तो 1000 mm वार्षिक वर्षा विश्व की होती है। अब अपन बात करेंगे जो अपना पिछला वीडियो थे उनमें जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है उनका नाम बताती हूँ। तो विजय कुमार और सुरेंद्र, अनिल, वीरेंद्र और तेजपाल सिंह, इन्होंने उस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। रक्षिता गोयल ने भी उस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है।